तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है, सो ये स्कीम आया था 2014-15 में, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ठीक है, ये करे हो इस स्कीम में हो क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फॉर परसुइंग PhD और मास्टर इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिसिन, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मतलब बड़ा अच्छा खासा वाइड कवरेज है इसमें। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, वो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिए जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40% ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी इस स्कीम के लिए कोई बच्चे एलिजिबल होगा। ठीक है, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को मिल सकता है किसी एक पेरेंट्स को, 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स है उसके 2 बच्चे, दोनों बच्चों को मिलने का चांस है, अगर 3 बच्चे तब भी 2 ही बच्चों को मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है पर पेरेंट। मैक्सिमम एज जो है 35 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कट ऑफ डेट है ना, ये है 1 जैन। ठीक है, 1 जैन है कट ऑफ डेट। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में, मतलब अगर मास्टर कर रहा है तो बैचलर डिग्री में उसके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, अगर PhD कर रहा है तो मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, और जो हमने एक स्कीम पढ़ा था नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, उसमें बताइए उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 60% था। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, मतलब कोई कैंडिडेट अगर जॉब कर रहे हैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, की फीचर की बात करें तो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है 20 है, 1 साल में 20 स्कॉलरशिप मैक्सिमम है। ठीक है, जबकि शेड्यूल कास्ट में 125 स्कॉलरशिप मैक्सिमम थी। ठीक है, और जो ड्यूरेशन है वो सेम है, 4 ईयर PhD, 3 साल मास्टर्स के लिए। 30% ऑफ द स्कॉलरशिप फीमेल के लिए रिजर्व होगा, और अगर फीमेल सफिशियंट नंबर में अवेलेबल नहीं है तो फिर ये मेल के लिए भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करिएगा कि फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडमिशन एंड ज्वाइन ओनली एन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्रेडिटेड हैं, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में होंगी। ठीक है, उनको ही ज्वाइन कर सकते हो विद इन 3 ईयर्स के अंदर, 3 साल के अंदर ज्वाइन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन और सेलेक्शन। ठीक है, चलिए बाकी और कुछ खास नहीं, थैंक यू।